उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों की ओर से लगातार घोटालों के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब यूपी के मिर्जापुर में कथित शिलापट्ट घोटाले का मामला सामने आया है। इसके बाद जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने पूरे मामले की जांच उप जिलाधिकारी लालगंज को सौंप दी है। जानकारी के मुताबिक 79 ग्राम सभा में मनरेगा के तहत किए गए विकास कार्यों के लिए आरसीसी का शिलापट्ट लगाना था। इस पर कार्य की लागत समेत पूरी जानकारी देनी थी। आरोप है कि हलिया ब्लॉक के कर्मचारियों और अधिकारियों ने मिली भगत करके आरसीसी की जगह मामूली शिलापट्ट लगवा दिया, फिर बिल आरसीसी के नाम पर पास करा लिया। हलिया ब्लॉक में जो नरेगा के कार्य है उसमें जो शिलापट्ट लगाया जाता है तो उसमें आरोप लगाया गया है कि उसमें पत्थर की पटिया का यूज किया जा रहा है, आरसीसी का यूज नहीं किया जा रहा है। तो उसकी जांच हमने एसडीएम को दी है और एसडीएम उसकी जांच करके रिपोर्ट देंगे और जांच में जो तथ्य पाए जाएंगे उसके हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित खरगापुर में दिन दहाड़े डकैती की वारदात हो गई। यहां गीतापुरी चौराहे के नजदीक गोल्ड हाउस ज्वेलरी शॉप पर डकैती की वारदात को नकाबपोश बदमाशों ने अंजाम दिया है। गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र के गीतापुरी चौराहे पर स्थित गोल्ड हाउस ज्वेलरी शॉप में बदमाश हिजाब पहन कर आए और 15 लाख रुपए की ज्वेलरी लूट ले गए। इस घटना के बाद जेसीपी क्राइम, डीसीपी पूर्वी और एडीसीपी एसीपी गोमती नगर मौके पर पहुंचे। बस यह वीडियो कानपुर के लाल इमली चौराहे का है। यहां एक युवक ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मी को लेकर जमकर हंगामा किया। युवक का कहना है कि उसका जब 7,000 रुपए का चालान हो सकता है तो सिपाही का क्यों चालान नहीं किया गया। दरअसल रेड लाइट सिग्नल पर सिपाही बिना हेलमेट गुजर गया, इस बात पर युवक ने हंगामा किया। वहां मौजूद राहगीरों ने यह वीडियो बना लिया। नहीं, ये तो गलत बात है, आपको चालान करना पड़ेगा। अंबेडकर नगर के ब्लॉक परिसर में प्रधान धरने पर बैठे रहे। प्रधान बीडीओ के खिलाफ यह धरना दे रहे थे। आरोप है कि बीडीओ अवैध धन उगाही करते हैं। इस मामले में जब एसडीएम समेत अन्य अधिकारियों ने प्रधानों से बातचीत की तब जाकर धरना समाप्त कराया जा सका। उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थ नगर जिला, यहाँ डुमरियागंज नगर पंचायत में जल जमाव की वजह से स्थानीय लोगों का बुरा हाल है। नगर पंचायत के ईओ का कहना है कि यह स्थिति बाढ़ की वजह से पैदा हुई है। आए दिन बाढ़ और किसी वजह से पानी जल मतलब भराव बहुत ज्यादा होता रहता है और यहाँ के आए दिन यही समस्या होती है। जब भी बारिश होती है पानी भर जाता है, कोई निकासी नहीं होता है यहाँ पे। अब पानी की समस्या बहुत परेशानी है यहाँ, हर साल पानी रहता है, कौनो ऐसा साल पानी नहीं है कि ना पानी आवे। यह यहाँ पानी की समस्या है कि पानी यहाँ से निकासी व्यवस्था सही नहीं है, न रोड सही है न नाली सही है। ये जो पुलिया बनी है इतनी पतली पुलिया कि सब कचरा इसमें आके जम जाता है, कोई साफ करने वाला नहीं है न कोई देख रेख करने वाला।